अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार फ्रूट सैलेड या रशियन सैलेड की रेसिपी, जो कि किसी की परजोर फरमाइश पे मैंने यहाँ पे रेडी की है इसकी सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं देखते हैं। हमें चाहिए फ्रूट कॉकटेल, जो कि मैंने 150 ग्राम्स वाला जो टिन है वो लिया है। 3 अदद जो है वो या 3 अदद मैंने बनाना लिए हैं। 1 पीच लिया है, उसको मैंने बिल्कुल काट लिया है बॉक्सेस, बॉक्स शेप में या स्क्वायर शेप में। 1 एप्पल लिया है, इसी तरह से 1 पोटैटो लेके उसको भी मैंने जो है वो स्क्वायर शेप में बॉईल कर लिया है। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने जो है आइसिंग शुगर लिया है। थोड़े से रेजिंस लिए हैं या किशमिश लिए हैं 1 टेबलस्पून के करीब। पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें जाएगा। 1 छोटी गाजर ली है, उसको भी मैंने जो है वो बहुत बारीक काट लिया है। 2 to 3 टेबलस्पून के करीब जो है वो मैंने लिए हैं मटर, जो कि बॉयल्ड है। 1 कप के करीब या 100 ग्राम्स के करीब जो है ये हमने ले लिया है अंगूर। 1 to 2 टेबलस्पून के करीब लिया है मैंने मायनीज। 1 कप के करीब मैंने लिया है योगर्ट और 1 कप लिया है मैंने क्रीम। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। अपने वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं अपने बाउल के अंदर ऐड करेंगे। मायनीज, क्रीम और मायनीज मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें योगर्ट ऐड कर रही हूँ, योगर्ट मेरा जो है वो ऑलमोस्ट फ्रोजन है। शुगर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 to 2 पिंच जो है वो मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, जस्ट टू बैलेंस द टेस्ट। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें क्रीम, मायनीज और योगर्ट जो है वो आइसिंग शुगर और सॉल्ट के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें बाकी सारे अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। गाजर जाएगी इसमें 1 to 2 टेबलस्पून के करीब। पीस चले गए, ग्रेप्स चले गए, पोटैटोज डाल दिए हैं मैंने इसमें, आप वाइल्ड बनाना पीच। अच्छे से मैंने धो के ये सारी फ्रूट जो हैं अच्छे तरीके से काट लिए थे। एप्पल और लास्ट में हमारा एक इंग्रेडिएंट रह गया है। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम उसको ऐड करेंगे। अब इसमें जाएंगी किशमिश, आप इसमें और भी नट्स ऐड कर सकते हैं, बादाम और वॉलनट्स वगैरह। मैंने इसमें सिर्फ जो है वो रेजिंस ऐड किए हैं। अब मैं इसमें ये फ्रूट सैलेड ऐड करूँगी। फ्रूट सैलेड को आपने इसके जूस के बगैर ऐड करना है, जूस ऐड नहीं करना है इसमें। अगर आपको टेस्ट पसंद है इसका सॉवर तो आप इसमें 1 to 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर लें, अदरवाइज़ इसको ना ऐड करें। ये सब ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर आपको शुगर थोड़ी कम लग रही है तो आप इसमें 1 to 2 टेबलस्पून के करीब अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तो हमारा मज़ेदार रशियन सैलेड फ्रूट सैलेड रेडी है, होममेड। इसको आप घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। इसको मैं क्लिंग लगाकर फ्रीजर में रख दूंगी और पेश करने से पहले इसको फ्रीजर से निकालूंगी। इसको चिल्ड ही पेश किया जाता है या सर्व किया जाता है। हमारा मज़ेदार रशियन सैलेड रेडी है, इसको चिल करके पेश करें और इंजॉय करें इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।